मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम KTTM में डिस्प्ले का जो सीरीज चल रहा है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। हमने इसके बारे में जो पहले का बताया वो अपना स्पीड पैटर्न तक बता दिए थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आया है कि 20 काउंट का आप ध्यान रखें, वही सब चीज़ है। फंक्शन में जाना, फिर यान में, फिर यान दबाना, फिर आएगा बेसिक मैकेनिकल कंडीशन इन्फॉर्मेशन, मतलब मैकेनिकल कंडीशन क्या क्या है इसमें आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा। जो फुल बॉबिन लेंथ 2500 मीटर आया, 2500 मीटर कैसे आया, तो अपना जो 72 ग्राम में डाले ना, उसमें 72 ग्राम को क्या करना है, काउंट हो गया, समझ लो काउंट हो गया 20.5 का हो गया, 20.5 काउंट हो गया, रफिंग काउंट 20.5 हो गया। तो ग्राम पर मीटर कितना यान का आएगा, ग्राम पर मीटर आएगा 0.59 डिवाइड बाई 20.5, वो जो भी आएगा 0.02878 ऐसे कुछ आएगा। तो इसको फिर क्या करना, 72 ग्राम में डिवाइड करना है, ये ऐसे ही निकलेगा, मतलब 20.5 काउंट हो गया। ग्राम पर मीटर कितना आएगा, 5.59 डिवाइड बाई 20.5, 0.02878 आया। उसके बाद 72 में इसको डिवाइड करना, 2500 मीटर आया। तो जो काउंट के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, और इतना मीटर का अगर धागा हुआ तो इतना हैक बनेगा, ये ध्यान रखना। 20 काउंट में इतना मीटर हो गया तो इतना मीटर का इतना हैंक बनेगा, वो कैलकुलेशन कर लेना उसी हिसाब से। जैसे कि अपना 2500 मीटर है, इसको 39.37 में मल्टीप्लाई करने का, फिर 36 में डिवाइड करने का, फिर 840 में डिवाइड करने का, ये आ जाएगा आपके 3.25 आ जाएगा। उसके बाद एवरेज स्पिनर स्पीड टेप है 0.27 mm, और वो चेस काउंट 617, जो आपने 2500 मीटर का धागा रहेगा उसमें कभी कभी कम ज़्यादा भी आएगा। तो चेस काउंट क्या होता है, जैसे एक चेस में 4.2 मीटर चलता है, तो इसमें इसको डिवाइड करने का चेस काउंट आ जाएगा। उसका ऊपर नीचे भी हो सकता है 2-4 पॉइंट, लेकिन लगभग सेम आ जाएगा। और वो यान पिच जो होता है 1.89 mm, यान पिच मतलब जैसे ये बॉबिन लेता है ना, ऐसे देखो ऐसे बॉबिन लेता है ना, जैसे एक धागा यहाँ डाला, उसके साथ में एक धागा डाला, ऐसे ऐसे भरते रहते हैं ना धागा। तो पिच मतलब एक यान से दूसरा यान का जो गैप होता है वो 1.89 mm, वो काउंट के हिसाब से बढ़ेगा घटेगा, कोर्स काउंट होगा ये बढ़ेगा और फाइन काउंट होगा कम हो जाएगा। उसके बाद वन चेस लेंथ कितना 4.2 मीटर से डाला, वन चेस लेंथ मतलब समझ लो यहाँ से रिंग रेल उठ के आया इधर तक वन चेस रहा, या वहाँ से यहाँ तक रहा वन चेस रहा, वन चेस का जो जितना मीटर धागा वाइंडिंग करता है वो है 4.2 मीटर से, इसमें 20 काउंट में है। अगर आप यही वाला माल अगर 18 काउंट होगा 3.9 हो जाएगा, 30 काउंट हो जाएगा फिर उसी से बढ़ता रहेगा, 40 काउंट हो जाएगा तो 5.2 तक हो जाएगा। तो वो काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। और TCB जो गियर अपना है 47/70 जो अपना बताया था, और DCA TCB 67/103 टीथ, ड्राफ्ट करेक्शन 8.9%। ड्राफ्ट करेक्शन क्यों लिखा हुआ, जैसे आपको बताया था मतलब RX 300E जो है कम्प्लीटली मतलब ड्राफ्ट और सर्वोमोटर के द्वारा एडजस्टमेंट होता है, तो 8.9% तक वो ड्राफ्ट करेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, अपना KTTM रिम फ्रेम का बारे में बता रहे हैं, उसे 20 काउंट का है। फंक्शन में जाना, फिर पैटर्न में जाना, इसमें स्पीड का 10 वेराइटी का ऐसे ही आएगा, प्रोग्राम नंबर आएगा, आप पहले से सेव करके रख सकते हो। कोई समझ लो ये 10 काउंट का, ये 12 काउंट, 14, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, ऐसे काउंट वाइज आप डाल सकते हो। और डालने के बाद समझ लो अपन 20 काउंट 4 नंबर प्रोग्राम में अपन सेट करके रखें, तो 4 नंबर को ही ऑन करें, बाकी सब प्रोग्राम ऐसे रहेगा। इसको रनिंग में ले लें, इसको
रनिंग में लेना, ठीक है। और स्टेप वाइज देखो, पहला स्टेप 11,100 का, फिर दूसरा स्टेप आया 11,800 RPM स्पिंडल स्पीड, और लेंथ हो गया 5% जो धागे का लेंथ है हो जाएगा तो 11,800 चालू हो जाएगा। उसी हिसाब से स्टेप देखो, यहाँ तक ग्रेजुअली बढ़ बढ़ के जाएगा। फिर यह 8 नंबर स्टेप में 13,400 थोड़ा कम क्या हुआ, क्योंकि जब टॉप जब ऊपर आ जाएगा 90% से ऊपर आ जाएगा, थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेकेज बढ़ जाता है। फिर लास्ट स्टेप में देखो, फिर और 400 RPM कम किए, 13,000 किए, और ये 100% पूरा हुआ। और इसका अगर ग्राफ निकालोगे, ये जैसे रिम फ्रेम बॉबिन का लेंथ है या परसेंट वाइज जो स्पीड बढ़ा, ये धागे का लेंथ है, मतलब कितना परसेंट बॉबिन भरा वो वाला है, और ये स्पिंडल है, तो KTTM का ग्राफ ऐसे ही आएगा। सब लोग यहाँ 11,100 से चालू हुआ, आहिस्ता बढ़ा यहाँ तक, यहाँ से फिर फुल स्पीड लिया, फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ, ऐसे ही ग्राफ आएगा। और उसी हिसाब से ऐसे ही ग्राफ आएगा तो वर्किंग बढ़िया रहेगा। बॉटम से एकदम से स्पीड नहीं बढ़ाना, जैसे ग्राफ जैसे समझ लो बॉटम में यहाँ है और ऐसे बढ़ा दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम किया, कोई मतलब नहीं। जस्ट ऐसे ही ग्राफ होनी चाहिए, हल्का सा बढ़े तब जाके उसका ठीक रहता है। KTTM रिम फ्रेम का डिस्प्ले के बारे में बता रहे हैं, देखिए 20 काउंट का है, फंक्शन में जाना और SPEC में जाना, उसमें बेसिक बॉबिन कांस्टेंट आएगा, मतलब बॉबिन का लेंथ क्या है, और इसका अंदर का डाया जो ऊपर का कितना नीचे का कितना सब आएगा। और इसमें देखिए बॉबिन लेंथ अपन डाले कितना, 210 mm का भरे हुए, 210 mm का बॉबिन है। और D1 जो बॉबिन बॉटम डाया, जैसे ये बॉबिन है ना, उसका नीचे के पोर्शन जो अंदर का डाया है वो 27 mm है, और D2 बॉबिन टॉप डाया ये 21 mm है, ऊपर का जो डाया है अंदर का वो 21 mm। आपको ध्यान कर देता हूँ, जब अपना पहले वाला रिंग्स या रिंग ट्रेवलर पढ़ते थे ना, उसमें दिया हुआ था अपना जो बॉबिन का टॉप डाया जो है, ये रिंग का 2 गुना के लगभग उसका रेशियो रहता है, 2 गुना के आसपास होना चाहिए। तो 45 mm का रिंग है तो 21 mm है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो फंक्शन चेस एंड लिफ्ट का, लिफ्ट कितना 185 mm, बॉबिन लेंथ जो 210 है उसे माइनस हो गया 25 mm। हमेशा ध्यान रखो बॉबिन लेंथ टोटल जितना रहा उसे 25 mm माइनस कर देना, लिफ्ट का आ जाएगा, इतना mm का लिफ्ट रहेगा। 25 mm मतलब ऊपर से गैप देंगे, नीचे से गैप देंगे, और बीच में धागा भरा जाएगा, 185 mm का धागा भरा जाएगा, 200 mm का लिफ्ट बॉबिन लेंथ में। चेस लेंथ देखो, सी हो गया कितना 51 mm, रिंग डाया प्लस 6 से 8 mm, मतलब रिंग डाया जो भी रहेगा उसे 6 से 8 mm प्लस करके चेस लेंथ लेते, वर्किंग के हिसाब से कोई 6 रखेगा, कोई 7 बढ़ाएगा, कोई 8 mm बढ़ाएगा। ऐसे 45 mm का था, 45 में 6 प्लस कर दोगे तो 51 आएगा। उसके बाद देखो वेट गेनिंग टॉप DU, मतलब ये जो बॉबिन है, देखो बॉबिन मैंने बनाया और नक्शा में एक डॉट मारा, मतलब ये टॉप में आप धागे का मतलब डाया बढ़ा सकते हो, उसका मतलब गेन ले सकते हो। और वो टॉप पे अपन जनरली बढ़ाते नहीं, लेकिन उसमें ऑप्शन है प्लस 6 तक, लेकिन इसमें बढ़ाएंगे तो टॉप स्लब अप हो सकता है, जनरली हम इसको 0 पे ही रखते हैं, लेकिन ऑप्शन है, समझ लो किसी में डॉप आ जाता है, डफिंग लस हो जाएगा, थोड़ा इसको बढ़ा देना, ऊपर थोड़ा मोटा हो जाएगा तो उसका डफिंग लस से बच जाएगा। ऐसे कॉप बेस थिकनेस लेंथ, ये वाला देखो, यहाँ पे मैंने बॉबिन का शेप लगा और ये डट जो लगा, इसको इतना बढ़ा सकते हम। और इसमें कॉप बेस थिकनेस जो है अपन यहाँ पे 6 प्लस 6 तक बढ़ा सकते हैं।
ये थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो कब कंटेंट बढ़ जाएगा, लेकिन इसका एक डीमेरिट भी, ज़्यादा बढ़ाना नहीं, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिंग ट्रबलर उड़ेगा, फ्राई होने की चांस रहता है, तो कब बेस का ज़्यादा बढ़ाने का नहीं है। जनरली प्लस 6 तक भी जा सकते हो, और वो फंक्शन में देखो जाना, फिर मेकर में जाना, उसमें लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज में इंग्लिश लिखा रहेगा, हिंदी में हिंदी लिखा रहेगा, पुर्तगीज और टर्की, वैसे यूरोपियन भाषा भी रहेगा, फ्रांस का भाषा भी रहेगा, अलग अलग कंट्री का 10-12 भाषा रहता है, तो आप इंग्लिश भरो या हिंदी भरो, जो अपने हिसाब से भर सकते हो वो भरना। क्रेडिटिव रिमप्रेम का डिस्प्ले के बारे में जो बता रहा था, आज मैं इतना मैं समाप्त कर रहा हूँ, और मेरे को उम्मीद है आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।